हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर व्यू का ऑटोमोबाइल। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कि कार का माइलेज कैसे बढ़ाया जा सके। कार का हम जो भी कार लिए हैं उसका माइलेज अगर हम इंक्रीज करना चाहें तो कैसे बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज कैसे निकालें। दोस्तों, कुछ टिप्स हैं मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो टिप्स मैं शेयर कर रहा हूँ कि कार का माइलेज कैसे बढ़ाना है। सबसे पहले आपको अपने इस कार का एयर फिल्टर उसको खुलवाना है और उसको चेक करना है कि उसकी क्या कंडीशन है। एयर फिल्टर अगर चोक है तो उसको आपको साफ़ कर लेना है। हर 5000 किलोमीटर पे आपको चल के एयर फिल्टर को साफ़ करना है। और रोड की कंडीशन क्या है उससे पहले आप स्पार्क प्लग अपना चेक करा लीजिए। स्पार्क प्लग का गैप कहीं बढ़ तो नहीं गया है, और स्पार्क प्लग की कंडीशन क्या है। अगर स्पार्क प्लग आपका सही है तो उसको ठीक है, उसको साफ़ करवा के उसके बाद फिर से आप उसको यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप तीसरी पॉइंट, रोड कंडीशन क्या है आपके यहाँ, जिस रोड पे आप ट्रेवल कर रहे हैं गाड़ी, जिस पे आप माइलेज चाहते हैं, ट्रैफिक एरिया है या फिर हाईवे है, ये सारी चीज़ें काफ़ी पॉइंट होते हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए ड्राइविंग टाइम पे। और चौथा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं ड्राइविंग पैटर्न। जब भी आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपका ड्राइविंग पैटर्न, बहुत लोग होते हैं जो काफ़ी लोग ब्रेक पे पैर रख के गाड़ी चलाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए उतना अच्छा एवरेज नहीं निकल पाता गाड़ी का। और साथ ही साथ मैं बात करना चाहूँगा कि आप जब भी गाड़ी ड्राइव करें तो एक एवरेज स्पीड जो होती है वो 60 से 80 के बीच में गाड़ी ड्राइव करें। और गियर का पैटर्न जो होता है, फिफ्थ गियर लेने के बाद गाड़ी 60 से ऊपर होनी चाहिए, 60 से नीचे नहीं होनी चाहिए गाड़ी, तो आपका एवरेज अच्छा आएगा। अभी मैंने इसको रीसेट करके स्टार्ट किया है, गाड़ी टेस्ट ड्राइव कर रहा हूँ। साथ ही में स्टिंग्रे कार है, मारुति की वैगनार स्टिंग्रे है। अभी भी मेरा एवरेज जो आएगा वो एक्चुअल एवरेज 20 के आसपास, अभी तो 20 के आसपास आ रहा है, बट ये अभी इंक्रीज होगा। और जो मेरा गाड़ी का RPM है, मतलब इंजन की स्पीड जो है, वो 1000 से 2000 के बीच में होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। उससे ऊपर जाएगी तब भी हमारा एवरेज डाउन होगा। AC चलाएंगे तब भी, अभी तो हमने AC भी चला रखा है, फिर भी 20 से ऊपर ही जा रहा है मेरा एवरेज। अभी मैं क्लियर आपको दिखा दूंगा, डिस्प्ले पे शो कर दूंगा कि कितना एवरेज मेरा आ रहा है। बट दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि एक्चुअल माइलेज मेरा निकल गया है 20.6 किलोमीटर पर लीटर का, ठीक है। अभी आप आगे देखेंगे तो रोड की कंडीशन थोड़ा सा ट्रैफिक एरिया है, तो मैं गियर चेंज करूँगा तो एवरेज मेरा कम होगा, ठीक है। देखिए, मैं अभी चेंज कर रहा हूँ तो एवरेज मेरा कम हो रहा है, स्पीड स्लो होगी, एवरेज कम होगा, 19 का आ जाएगा। बट फिर मैं जैसे ही हाईवे पे चलूँगा, और सीक्वेंस वाइज इसको चेंज करना होता है, जो गियर हम चेंज करते हैं ये सीक्वेंस में चेंज करना होता है, ये नहीं कि जैसे हुआ वैसे गियर फिफ्थ से सिक्स में, फिफ्थ से वन में आ गए या फिर टू में आ गए, ऐसे नहीं। सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस आप जब चेंज करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पहली बात, गाड़ी सेफ़ होगी आपकी, चलाने में कोई इशू नहीं आएगा बाद में। और प्रॉपरली आप गियर को शिफ्ट करें और फुल क्लच लेके ही गियर को शिफ्ट करें। कुछ चीज़ें होती हैं, कस्टमर परेशान हो जाते हैं, मेरी गाड़ी एवरेज नहीं दे रही। गर्मियों के टाइम में लोग AC ज़्यादा यूज करते हैं, तो इसकी वजह से अगर गाड़ी आप 10 मिनट भी चला के खड़ी करके ऑन करके अगर छोड़ दिए हैं, तो AC की वजह से भी आपका एवरेज कहीं ना कहीं कम हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही साथ अपना अमूल्य कमेंट ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में छोड़ें, कि उससे हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर और अच्छे सुझाव डाल सकें उसके अंदर, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।